मैं भी इंजीनियर हूँ सर, बुला दीजिए सीनियर को, आप बक्सा लीजिए। फोन लगा रहे हैं। अगर सीनियर नहीं आया तो फिर हमारी गलती मत कहिएगा, हम तो जो साइट पर रहेगा उसी से पूछेगा ना सवाल। अगर सीनियर आ जाएगा, आप के सीनियर से मैं पूछूंगा, सीनियर नहीं आएगा तो आप भी इंजीनियर है ना, सही है कि नहीं है? जी जी। और आप ईमानदार है, इसीलिए आपको सही पे भेजा है सब, क्योंकि सबको पता है कि ईमानदार को हलाल कर देना है। भगवान का इच्छा होगा तो क्या करेंगे? नहीं, भगवान का इच्छा नहीं, लेकिन आप ही बताइए। हम अभी दो तीन चार महीना से आए हैं। आप ही बताइए सर, आप ही का बेटा हाथ काट लिया होता कैसा महसूस होता? आप बुलाइए उन लोगों को, बुलाइए सीनियर इंजीनियर को, फोन कीजिए, बुलाइए कि सर आइए यहाँ पे, यहाँ पे कुछ अधिकारी लोग आए हैं सर, आपको ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही कह के बुलाइए, वो देखिए दौड़े आएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद से बाकी सब हम झेल देख लेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनाथ सिंह। यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? गड्ढा गुड्ढी को बराबर करके या फिर छाई छाई के डालने का प्रयास। ये रोड कब पास हुआ था सर? 13-14 में हुआ। 13-14 में पास हुआ था, और अभी तक रोड बना क्यों नहीं सर? संवेदक भाग गया, उसको अथी किया जा रहा है, लेकिन करते करते अभी तक नहीं किया। 13-14 में पास हुआ था, आज से 8 साल पहले, और यहाँ पे एक आदमी ने रोड के लिए हाथ काट लिया, और जब हाथ काटा तब आप जेसीबी लेके आए, पहले क्यों नहीं लेके आए थे आप लोग जेसीबी? यानी जहाँ जहाँ लोग हाथ काटेगा वहीं वहीं आप लोग पहुँचेंगे। आपका पद क्या है? जूनियर इंजीनियर है सर। जूनियर इंजीनियर हैं। कब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए थे? 2007 में। सरकारी जूनियर इंजीनियर हैं? जी सर। जरा सोचिए कि अगर आप ही का हाथ काट दिया जाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं सर। इस गांव का एक आदमी हाथ काट लिया है रोड के लिए, पता है ना? तो क्यों नहीं पहले जेसीबी लेके आए लोग आप लोग? सर आश्वासन। पैसा कौन कौन खाया है इस रोड का वो बताइए पहले। आप इंजीनियर हैं, आपको पता है, सरकारी इंजीनियर हैं, आपको पता है कि इस रोड का पैसा कौन कौन खाया होगा, ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो एक आदमी नहीं बख्शाने वाला है। नीचे से लेकर ऊपर तक ये 8 साल के रीजन में जितने भी लोग होंगे उन सब का समझ जाइएगा व्यवस्था होगा, और बढ़िया तरीके से व्यवस्था होगा। क्यों हाथ काट लिए वो, क्या रीजन था पता है आपको? रोड नहीं बन रहा था, इसी के लिए रोड बनवाने। आप इंजीनियर होके ये बात बोल रहे हैं कि रोड नहीं बन रहा था इसलिए उन्होंने हाथ काट लिया, तो आप लोग रोड क्यों नहीं बनवाए जब उन्होंने आप लोगों को एप्लीकेशन लिख के दिया था कि हमारे गांव में रोड बनवाइए? यानी हाथ काटने के बाद आपका जेसीबी आएगा? रोड के लिए नहीं हुए थे, किए थे पूरा पंचायत के जितना भी काम चल रहा। रोड के लिए किए थे ना, उसमें रोड एक समस्या था ना, तो उस समय जेसीबी क्यों नहीं लेके आए आप लोग? सर आश्वासन दे रहा था कि जा रहे हैं नहीं है तो उसको रिसाइन कर दिया गया है, करके अब फिर से इसको टेंडर में। पैसा खाए हैं लोग, ये लोग सभी लोग पैसा खाए हैं, और इसीलिए पटना में जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आग लगा था, और लगातार आग लगता है। ये सारा ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जितना रोड बना है सब पे जांच होना चाहिए। यही के इमल मंडल जो है उन्होंने हाथ काट लिया अयोध्या में जाके, 2005 से लगातार वो लड़ते रहे, इन लोगों को आवेदन देते रहे, और इनमें से किसी ने काम नहीं करवाया, और आज ये इंजीनियर साहब यहाँ पे काम करवाने आए हैं। जरा सोचिए, अभी भी इस गाँव में जो है ना वो गाड़ी नहीं आ रहा है। अब क्या करवा रहे हैं ये, मतलब करवा क्या रहे हैं वो बताइए सर? गड्ढा को भरवा रहे हैं। क्या चीज से भरवा रहे हैं गड्ढा को? ट्रैक्टर में ईटा क्यों नहीं लेके आए हैं? राविस क्यों नहीं लेके आए हैं? बोल्डर क्यों नहीं लेके आए हैं? आप भरवा क्या चीज से रहे हैं सर? मिट्टी कीचड़ भरवा रहे हैं, कीचड़। गाड़ी नहीं आ रहा है, फोर व्हीलर नहीं आ रहा है इस गाँव में अभी, और नहीं आ रहा है। डांटे हैं सर, नहीं हम आए हैं तो लेट। किसको डांटे हैं? जो काम करा रहा था। कौन करा रहा था काम? बुलाइए उसको। वो भाग गया। सच्चाई यह है कि ये लोग अभी भी हाथ काट लिया उसके बावजूद भी ये लोग गड़बड़ सड़बड़ काम कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर से ईंट लेके आना चाहिए था, जो छोटा छोटा ईंटा होता है वो लेके आना चाहिए था। अगर ईंट नहीं है तो इन लोगों को पत्थर लेके आना चाहिए था, और यहाँ पे वो सब चीज़ें डालना चाहिए था। यहाँ पे ये लोग कीचड़ डाल रहे, देख सकते हैं, ये देखिए ये कीचड़ डाल रहे हैं लोग। ये सच्चाई है कि इस गांव का एक व्यक्ति जो है वो 2005 से लड़ते जब थक गया और उसको कहीं उम्मीद नहीं दिखा, तो 2022 में जो है वो अयोध्या में जाके अपना हाथ काट लिया, और जब हाथ काटा तो जेसीबी वाले लोग जो है जेसीबी लेके पहुंचे यहाँ पे। जरा सोचिए,
अभी चलेंगे हम आपके डिपार्टमेंट में और पूछेंगे उन इंजीनियरों से भी ना, जो इंजीनियर हाथ काटने के बाद रोड बनवाते हैं, और एक आदमी नहीं बख्शाने वाला। किधर भाग गए इंजीनियर साहब? इतना फोन लगाइए आप अपने सारे सीनियर इंजीनियरों को और बुलाइए यहाँ पे, बुलाइए सारे सीनियर इंजीनियर को। आप लोग अपराधी हैं, अपराध किए हैं आप लोग। उसके हाथ का जुर्माना जो है ना, इन लोगों का पूरा जो है ना सैलरी काट के जो है उसके उसके परिवार वालों को दिया जाए, जिसको चार चार बेटी थी, एक बेटा था, और लड़ते लड़ते जब थक गया, हाथ काट लिया, तब ये लोग जेसीबी भेजे हैं। अपराध का कारण यही लोग हैं, यह चीज है। बुलाइए सीनियर इंजीनियर को, फोन लगाइए और बोलिए कि यहाँ पे आए। कितना दूर है यहाँ से आपका ब्लॉक? ब्लॉक है लगभग 10-12 किलोमीटर पर। बुलाइए वहाँ से, कौन सा ब्लॉक है? भरगामा, वहीं से आ रहा हूँ मैं। बुलाइए इंजीनियर लोगों को यहाँ पे कि ग्रामीण बुला रहे हैं, आइए सर, उनका जो स्वागत करना है।